हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पुराने दुपट्टे का रियूज करना बताऊंगी। बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। आप देख सकते हैं इस तरह का मैं दुपट्टा पुराना ले ली हूँ और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी लंबाई जो है 50 इंच है और चौड़ाई कितना है भी उसे भी मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बहुत कुछ मिस हो सकता है। इसकी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 29 इंच है और फिर अब इसको मैं डबल फोल्ड में करूँगी। देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड में कर लेना है। अब इसके बाद आगे मैं क्या करूँगी आप ऐसे ही देखते रहिए। अब मैं यहाँ पे लूँगी दूसरे कलर की पट्टी, लेना है 1.5 से 2 इंच चौड़ा रहेगा लंबाई, जितनी लंबाई इसकी है दुपट्टे की उतना ही लेना है। देखिए इस तरह से इसको रखना है और सिलाई कर लेनी है, इस पे फोल्ड करते हुए सिलाई करना है, जो कटा हुआ भाग है इसका अंदर चला जाए। तो मैं अभी आपको सिलकर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद किनारे में भी सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से साइड का मैं बना ली हूँ। दूसरे कलर के कपड़े से पट्टी लगाई हूँ मैं। अब इसके बाद यहाँ किनारे में क्या करना है, अभी पतली पतली डोरी आपको लेनी है, इस तरह की 12 डोरी रहेगी, छोटी छोटी, कम से कम 5 से 6 इंच लंबा रहेगा ये। उसके बाद इस तरह से इसको यहाँ पे सिल लेना है। इंच टेप से भी आप नाप कर देख सकती हैं, बीचों बीच ये वाला बीच का रहेगा और किनारे का इस तरह से किनारे की साइड में रहेगा। इसके बाद ऊपर से आपको 5 इंच नीचे, दूसरी वाली जो डोरी मैं रखी थी इसको 5 इंच नीचे ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी कर लेना है। और डोरी लगाते टाइम में पट्टी भी लगानी है, जो दूसरे कलर की लगाई हूँ आप देख सकती हैं इस तरह से। अभी मैं किस लिए लगाई हूँ ये भी मैं बताऊँगी, आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो आप सभी के लिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये वीडियो सबके लिए है। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरी सारी वीडियो इस तरह की आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का मैं हैंगर ले ली हूँ और किनारे में इस तरह से बांध लेना है। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको की हूँ और दूसरे साइड में सेम इसी तरह से करना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और बीचों बीच में निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जो दुपट्टे से बचा हुआ कपड़ा है उसका मैं एक थैला बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बना ली हूँ और इसकी लंबाई लगभग 14 इंच की है और चौड़ाई 11 इंच है। और इसको मैं डबल फोल्ड में आप देख सकती हैं सिली हूँ। और इसके बाद इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड आपके पास पड़ा हो तो आप उसका यूज कर सकती हैं। देखिए इस तरह से इसके अंदर इसको रख लेना है। तो मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का जो फाइल होता है वही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से इसको बीचों बीच यहाँ पे रखना है, फिर इस तरह से आप देख लीजिए कि बीचों बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख सकती हैं इस तरह से करके मैं देख ली हूँ। और इसके बाद यहाँ से 9.5 या 9 इंच पे आप निशान लगा सकती हैं,
और ये मैं क्यों कर रही हूँ अभी आप देखते रहिए। इस तरह से इसको बराबर कर लेना है, फिर दूसरे साइड का भी सेम इसी तरह से करना है। तो अभी ये हो चुका है। अब इस तरह से एक और मैं थैला बना ली हूँ दूसरा, और इसमें कार्डबोर्ड रख ली हूँ। ये थैला कार्डबोर्ड से आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा, दोनों साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये जो कार्डबोर्ड है इसकी चौड़ाई 9 इंच है, 9 से 9.5 इंच है, और ये जो है 1/2 इंच, 1/2 इंच भी ले सकती हैं, जितना आप सिलाई में लेती हूँ कपड़ा। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ इसको कहाँ पे और कैसे सिलना है। ये जो निशान लगाई थी मैं, यहीं पे इसको इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अभी मैं पिन अप करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसको दोनों साइड में पिन अप करना है। इस साइड का तो हो गया, दूसरे साइड में आप देख सकते हैं कहाँ पे मैं निशान लगाई थी, यहीं पे इसको लेकर आना है और इस तरह से फिर सिलाई कर लेनी है। बस इसीलिए जो मैं आधा आधा इंच बोली थी एक्स्ट्रा लेने के लिए, तो बस यही वजह है दोनों साइड में सिलाई करनी है, तो उतना कपड़ा आपको लेना ही पड़ेगा। अब ये हो चुका है, अब इस पे मैं सिलाई भी कर ली। अब आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा आया है। आप इसको अपने अलमारी में भी रख सकती हैं कपड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कार्डबोर्ड मैं लगा ले रही हूँ, ऊपर वाले में भी कार्डबोर्ड लगाना है, नीचे वाले में भी। तो ये हो चुका है और फाइनल लुक देख सकती हैं आप। देखिए कुछ इस तरह से, और इसमें आप जितना चाहे कपड़ा एडजस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े को रखकर दिखा दे रही हूँ आपको, और इस तरह का एक और मैं बनाऊंगी। अभी नीचे अलमारी में जो खाली है जगह उसको भी मैं कवर करूंगी। तो एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पे मैं कपड़ा ले ली हूँ। देखिए लंबाई चौड़ाई इसकी जो है आप अपने अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चौड़ाई इसका 23 इंच ली हूँ और लंबाई 31 इंच है। और डबल फोल्ड में ली हूँ। इसके बाद मैं आटे की बोरी ले ली हूँ। आटे के कोई भी बोरी है आपके पास, उन सब का यूज कर सकती हैं। और उसके बाद इस तरह से बीचों बीच रख करके पिनअप कर लेना है। तो आप यहाँ पे लंबाई अभी फिर देख लीजिए, उसके बाद बीच में यहाँ पे सिलाई कर लेनी है दोनों साइड में, देख सकती हैं। और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड में आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकला हुआ है कपड़ा, इसको मैं निकाल दूंगी। फिर किनारे में दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से ऊपर की साइड में भी मैं सिलाई कर ली हूँ और किनारे में भी, यहाँ पे जो खुला हुआ भाग था इसको इस तरह से कपड़े के अंदर करके फोल्ड कर ली हूँ। आप देख सकते हैं दूसरे कलर का कपड़ा मैं लगाई हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से निशान बनाना है, एक बॉक्स बना लेना है। आप देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ। दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से करना है। तो ये हो चुका है, दोनों साइड में मैं बॉक्स बना ली हूँ,
बाई चार का। अब इसको काट करके अलग करूँगी मैं इस तरह से, दोनों साइड का करना है। उसके बाद इस पे सिलाई करनी है, और सिलाई कैसे करनी है अभी मैं वो भी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से कोने को पकड़ना है, और फिर इस तरह से यहाँ पे बराबर करते हुए सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से बराबर करते हुए ध्यान देना है, इसको बीचों बीच, बीच वाला सिलाई है, बीचों बीच रखना है। फिर यहाँ पे इस तरह से पिनअप कर दे रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं। और फिर इस तरह से एक कपड़ा लेना है, और इसको इस तरह से अंदर करके फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है, जिससे कि इसमें जो धागा रेशा निकल रहा है वो पैक हो जाएगा अंदर की तरफ। अभी हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो कॉर्नर है इस पर मैं सिलाई करूँगी। इस तरह से चारों कॉर्नर को सिल लेना है। अभी मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ, बट उसके पहले इस तरह का एक कपड़ा लेना है, 10 इंच लंबा, और चौड़ाई इसकी 5 साढ़े 5 इंच है। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। आप देख सकती हैं ये हो चुका है, कॉर्नर में बना ली हूँ। अब इसके बाद जो कपड़ा का पट्टी बनाई थी उसका हैंडल बनाऊंगी मैं, और हैंडल बना करके यहाँ पे इसको इस तरह से लगा लेना है। नाप कर लगाना है हैंडल को, ऊपर से 2.5 इंच, नीचे से साइड से 1 इंच रहेगा। तो ये हो चुका है। अब इसका फाइनल लुक आप देख सकती हैं, इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप कपड़े को एडजस्ट कर सकती हैं। और अभी जगह आप देख सकती हैं कितना ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है अलमीरा में। एक और बॉक्स मैं बना कर रख ली हूँ इसमें। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को।